हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया का समरी और क्वेश्चन आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम पैट्रिक। जो कहानी है एक लड़का है जिसका नाम पैट्रिक है उसके ऊपर है। ही इज अ बॉय ऑफ योर एज जस्ट लाइक यू। और पैट्रिक की एज लगभग आपके एज के बराबर है। बट ही डिड नॉट लाइक दी होमवर्क, पर उसको होमवर्क करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। पैट्रिक एंड दी एल्फ, एल्फ का मतलब है बौना जादूगर। वन डे ही सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा। अम्यूज्ड पैट्रिक पिक्स द डॉल। और फिर वो बहुत ज़्यादा असमंजस में हो गया, वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया वो। फिर पैट्रिक ने गुड़िया को उठा लिया। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड आउट दैट द डॉल इज एन एल्फ। और उसको आश्चर्य हुआ बहुत ज़्यादा जब उसने देखा कि जो उसका गुड्डा है वो एक एल्फ है। द एल्फ सेड ही वुड ग्रांट अ विश इफ पैट्रिक सेव्स हिम फ्रॉम द कैट। एल्फ कहता है पैट्रिक से कि वो पैट्रिक को एक इच्छा देगा, विश देगा, अगर पैट्रिक ने एल्फ को उसकी कैट से बचाया तो। पैट्रिक वॉज हैप्पी एज ही गॉट वट ही वॉन्टेड। और पैट्रिक बहुत ज़्यादा खुश था, और वो खुश इसलिए था क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई थी जो वो चाहता था। पैट्रिक टोल्ड द एल्फ दैट ही वुड हैव टू राइट माई होमवर्क फॉर द होल सेमेस्टर। फिर पैट्रिक ने एल्फ को बताया कि एल्फ को पूरा जो सेमेस्टर है उसका, पैट्रिक का पूरे सेमेस्टर के लिए उसका होमवर्क करना पड़ेगा। तो पैट्रिक ने बोला एल्फ को कि मैं आपको बिल्ली से बचाऊंगा, आपको मेरा पूरा सेमेस्टर का होमवर्क करना होगा। द एल्फ अग्रीड। और एल्फ मान भी गया, वो सहमत हो गया। बट द एल्फ डिड नॉट नो एनी सब्जेक्ट। पर एल्फ को कोई भी विषय नहीं पता था, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पता था। फॉर एनी इंग्लिश वर्ड ही स्टार्टेड आस्किंग पैट्रिक टू स्पीक द वर्ड लेटर बाय लेटर। और इंग्लिश वर्ड्स क्योंकि एल्फ को नहीं पता थे तो वो पैट्रिक से पूछने लगा। पैट्रिक उसको सारे वर्ड्स को लेटर बाय लेटर बताता रहा, यानी कि वो उसको स्पेलिंग बता रहा है। पैट्रिक एल्फ को स्पेलिंग बता रहा है। फॉर मैथ ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प एवरी टाइम। और मैथ्स भी नहीं आती थी एल्फ को, इसलिए वो मैथ्स में भी पैट्रिक से हेल्प मांग रहा है, और हर टाइम मांग रहा है वो। पैट्रिक वॉज अनॉयड विद द एल्फ, क्योंकि पैट्रिक एल्फ को हर चीज़ बता रहा है, वो स्पेलिंग्स भी बता रहा है इंग्लिश में, और मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी बता रहा है एल्फ को। तो बहुत ज़्यादा तंग हो गया बेचारा, वो परेशान हो गया पैट्रिक। पैट्रिक वॉज अनॉयड बट वॉज हैप्पी दैट ही वॉज नॉट डूइंग होमवर्क। पैट्रिक परेशान था, तंग था, पर वो खुश भी था। वो खुश इसलिए था क्योंकि उसको होमवर्क नहीं करना पड़ रहा था। थ्रू आउट द होल सेमेस्टर पैट्रिक वॉज बिजी गाइडिंग द एल्फ। और जो पूरे सेमेस्टर पैट्रिक एल्फ को गाइड कर रहा था कि किस तरह से काम करना है। इन द लास्ट व्हेन द सेमेस्टर एंडेड ही गॉट एज इन हिज होमवर्क। और जब उसका सेमेस्टर ख़त्म हुआ पैट्रिक को उसके होमवर्क में एक ग्रेड मिला। हिज फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड एंड द टीचर प्रेज्ड हिम फॉर द वर्क। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि पैट्रिक को एक कैसे मिल सकता है, और उन्होंने उसकी तारीफ भी की और टीचर्स ने भी उनकी तारीफ की। पीटर वेंट होम क्लीन द रूम स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एंड चीयरफुली। फिर पीटर घर गया, सॉरी पैट्रिक घर गया, उसने रूम को साफ किया और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। दिस टाइम ही वॉज सॉल्विंग द होमवर्क बाय हिज ओन। और इस बार वो अपना जो सारा होमवर्क था वो खुद से सॉल्व कर रहा था। ही स्टिल थिंक्स दैट द एल्फ डिड होमवर्क। और वो अभी भी ये सोच रहा था कि एल्फ ने उसका सारा होमवर्क किया है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किस चीज़ के साथ खेल रही थी, और वो सच में थी क्या चीज। पैट्रिक थॉट दैट द कैट इज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा उसकी बिल्ली है वो छोटे से गुड्डे के साथ खेल रही है। क्यूरियस पैट्रिक स्नैच्ड द डॉल फ्रॉम द कैट। और फिर क्योंकि वो ज़्यादा उत्सुक हो गया था देखने के लिए कि बिल्ली किस चीज़ के साथ खेल रही है, तो पैट्रिक ने उससे बिल्ली से वो डॉल को छीन लिया। और वो एग्जैक्टली क्या था, वो था एक डॉल, एल्फ था, डॉल था वो कोई
रियल कैरेक्टर नहीं था. व्हेन ही टुक द डॉल फ्रॉम द कैट ही फाउंड दैट इट वाज अ मैन विद मिनिमल हाइट. और जब उसने डॉल को बिल्ली से छीना तो उसने ये पाया कि वो एक छोटा सा आदमी था जिसकी वो बॉर्न आदमी था. ही वॉज इन रियालिटी एन एल्फ और वो एक एल्फ था बोना जादूगर. अभी एल्फ क्या होता है? एन एल्फ इज अ ह्यूमन लाइक मिथिकल स्मॉल बीइंग विथ मैजिकल पार्ट्स. और एल्फ क्या होते हैं? काल्पनिक, जो कि रियल चीज नहीं होती हैं, छोटे हाइट की होते हैं, जिनके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? तो छोटे से आदमी ने पैट्रिक को इच्छा क्यों दी, विश क्यों दी? द कैट वॉज प्लेइंग विद द एल्फ, क्योंकि बिल्ली एल्फ के साथ खेल रही थी. द कैट वुड हैव किल्ड द लिटिल मैन इफ पैट्रिक हैड नॉट कम. और जो बिल्ली थी वो छोटे से आदमी को मार देती अगर पैट्रिक नहीं आता बीच में. तो टू मेक पैट्रिक सेव हिमसेल्फ द लिटिल मैन ऑफर्ड पैट्रिक अ विश. क्योंकि पैट्रिक ने बिल्ली से एल्फ को बचाया था इसलिए उसने उसको एक विश ग्रांट दी. नंबर थर्ड, व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी, इच्छा क्या थी? पैट्रिक नेवर वांटेड टू डू हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी नहीं चाहता था कि वो अपना होमवर्क करे. व्हेन द एल्फ ग्रांटेड अ विश, और जब एल्फ ने उसे एक विश दी, पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द सेमेस्टर एंड. और जब उसने उसको विश दी तो पैट्रिक ने बोला कि पूरे जब तक मेरा सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता आपको ये सारा होमवर्क करना होगा. नंबर फोर, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? कौन कौन से सब्जेक्ट में जो छोटा बोना आदमी था उसको हेल्प की जरूरत पड़ी पैट्रिक के होमवर्क करने के लिए? द लिटिल मैन डिड नॉट नो अबाउट हाउ टू डू होमवर्क. छोटे से आदमी को नहीं पता था कि होमवर्क कैसे करना है. फॉर इंग्लिश ही नीडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वर्ड. इंग्लिश भी नहीं आती थी उसको, तो हर एक शब्द के लिए उसे एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी. तो पैट्रिक उसको एक्सप्लेन कर रहा था सारी चीजें. इन मैथ ही नीडेड टाइम्स टेबल एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन. उसको मैथ्स भी नहीं आती थी इसलिए उसको टेबल चाहिए थे, टू के टेबल थ्री के टेबल्स चाहिए थे. एडिशन जोड़ घटा भाग गुणा के भी एक्सप्लेनेशन चाहिए थे जो कि पैट्रिक उसको करवा रहा था. He did not know anything about history. उसको हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था. In whole, the little man knew nothing about the subjects and asked Patrick for help. और कुल मिला के जो छोटा आदमी था उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और वो पैट्रिक से हेल्प मांग रहा था हर बार. नंबर फाइव, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की, मदद कैसे की? पैट्रिक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड. तो पैट्रिक ने सारे वर्ड्स की मीनिंग एक्सप्लेन किया उसको. He brought books from the library and gave it to the little man. और वो लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स भी लेके आ गया और छोटे से आदमी को दे दिया. He guided the little man while the little man was solving the homework. और वो छोटे आदमी को गाइड कर रहा था कि कैसे होमवर्क करना है और उसको उसने हिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश में पूरा हेल्प किया. यहाँ पे पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प की. नंबर सिक्स, who do you think did Patrick's homework? आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन, क्या छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद किया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. द पर्पस ऑफ डूइंग होमवर्क इज टू गेन नॉलेज. होमवर्क करने का हमारा पर्पस क्या होता है? कि हमें कोई नॉलेज मिले. इट वॉज पैट्रिक हु वॉज गेनिंग एक्सपीरियंस बाई गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग होमवर्क. और क्योंकि पैट्रिक जो जितना भी होमवर्क पैट्रिक का था पूरे होमवर्क के दौरान वो छोटे से आदमी को गाइड कर रहा था मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी. तो यहाँ पे पैट्रिक को नॉलेज गेन हो रही थी. तो इससे हमें पता चलता है कि पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया है, एल्फ ने कुछ नहीं किया, वो उसकी बस एक सोच थी. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन. आज का लेसन अगर आपने एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.